मीरा बाई छोड़ो साधुड़ा वालो वेश, मीरा बाई छोड़ो साधुड़ा वालो वे, साधुड़ा ताने नरकाले जावे रे, साधुड़ा ताने नरकाले जावे रे, मीरा बाई छोड़ो साधुड़ा वालो वेश, मीरा बाई छोड़ो साधुड़ा वालो वे, साधुड़ा ताने नरगाले जावे रे। नणंद नणंद बाई मुखड़ा सुमीटा बोलो, नणंद बाई मुखड़ा सुमीटा बोलो, साधुड़ा माने तारे सी वो जी, साधुड़ा माने तारे सी वो जी। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। दोस्तों आज देखो अपन इंग्लिश की क्लास चल रही थी अपनी, ठीक है। तो कल जिसने वीडियो नहीं देखा आपने, कल जो क्लास हुई थी तो मैं दो क्लास अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो। आज की क्लास में अपन देखेंगे इंग्लिश पढ़ने की, जो आप किताब पढ़ते हो तो किताब में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे जिसकी इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है। जो इंग्लिश में इंटेलिजेंट है वो उस वीडियो को मिस कर सकते हैं, जो जिनकी बिल्कुल इंग्लिश कमज़ोर है वो देख सकते हैं इस वीडियो, ठीक है। तो आज अपन किताब कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी वो देखेंगे आज, ठीक है। किताब पढ़ने जो शॉर्ट ट्रिक है मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी जो लाइव देख रहे हो आप, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार महेंद्र जी को बुलाऊंगा, महेंद्र जी आपको क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो महेंद्र जी फिर बाद में क्लास को अपन रेगुलर करते हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, एक बार जल्दी से अपने लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी को कोई अपना देखो एक बार जल्दी शेयर कर दो, और पढ़ने पर ध्यान होना चाहिए आपका। देखो हमारी क्लास चल रही थी इंग्लिश की, 30 दिन का क्रॉस है, ठीक है। एक क्रॉस ही मान लीजिए क्योंकि 30 क्लास रेगुलर आएगी एक महीने तक, तो यानी 3 क्लासें हमारी हो गई हैं। पहले हमारी 2 क्लासें हो गई, वही तीसरी क्लास ही है। पढ़ रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कमज़ोर है। हाँ बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं आप, ऐसे में सोचना कि ये सब हमें आते हैं, बिल्कुल बेसिक से हैं, जिनको कुछ नहीं आता इंग्लिश के अंदर, ठीक है। जिनको आता है उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनकी इंग्लिश मुझे पता है बहुत सारे की इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं तो आप शुरू से यानी ज़रूर देखें पार्ट 1 पार्ट 2, और ये हमारा पार्ट 3 है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जल्दी से लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कमेंटों में कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे। और दोस्तों हमारी चलती है लाइव क्लास 8 बजे महेंद्र 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 पाली कोचिंग चैनल पर। दोस्तों अब बज रही 7, तो 7 बजे रोज आपको आ जाना है इस महेंद्र यानी मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल, इस पे चलती है इंग्लिश की क्लास, ठीक है। और महेंद्र पाली कोचिंग पर चलती है, महेंद्र जी पढ़ाते हैं जिके, आप जो आप देखते होंगे BSTC PTT के बारे में। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आज मैं ये नियम लेके आया हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए, जिनको बिल्कुल किताब पढ़ने में बिल्कुल ही पढ़ना नहीं आता है वो आराम से पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने टेबल बताई थी, मैंने बोला था इंग्लिश में अपने हिंदी के नामों को इंग्लिश में कैसे लिखे, उसमें टेबल बताई थी, वो याद करना जरूरी है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर प्ले यूट्यूब पर जाकर जरूर देखे, मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। देखो ये लिखा है मैंने 8 TION सन, EN OUGS, इनको क्या क्या पढ़ते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखो ये मैंने लिखा है ATE, क्या दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ेंगे अपन 8, क्या पढ़ेंगे दोस्तों 8, ठीक है 8 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 8। अब 8 को मैं ऐसे लिख दूं क्योंकि ए जो है ये मात्रा है, ठीक है, ये टे, ठीक है। आप देख तो ये क्या लिखा हुआ डे, मैंने टेबल के अंदर जो टेबल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उसमें बताया था कि डे किसका क्या बनता है, डे हिंदी में क्या लिखेंगे डे, क्या बनता है दोस्तों डे का क्या बनता है डी बनता है, नहीं बनता, टेबल के अंदर बताया था। जिसने वो टेबल याद होगी तो ही ये बना पाओगे, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखे एक बार। देखो डे किसका, डे का क्या बनता है डी। अब ATE इनको इसको याद रखना आपको कि ATE को 8 पढ़ते हैं दोस्तों, ये रख लेना, ATE को क्या पढ़ते हैं 8, फिर डे का बंद डी का डे, ठीक है। अब ATE को क्या पढ़ते हैं 8, तो ये लिखा हुआ
एट, मैंने क्या बोला मात्रा, एट की मात्रा, तो ये मात्रा लगेगी, क्या हो गया डेट, समझ में आ रहा है, डे डी का डे, एट टी का क्या बनेगा एट, मात्रा लग गई डेट। आगे देखो से, से आधा है, देखो टे पूरा है, से आधा, ए नहीं इसके आगे, तो से आधा है, से आगे देखो टे टी ए, टे पूरा है, क्या हो गया इस्टे। अब तो ए टी को क्या पढ़ते हैं एट, तो मात्रा लग जाएगी, और क्या पढ़ते हैं एट, क्या बोलते हैं स्टेट, समझ में आ रहा है। आगे देखो पे आधा है ले, अब ए टी को क्या पढ़ते हैं एट, मात्रा लगा दू प्लेट, समझ में आ रहा है। एस के एट टी को क्या पढ़ते एट स्केट। आगे देखो सी आर ई ए टी ई क्रिएट, सी आर क्रे ए टी मात्रा ले दे क्रिएट, क्या हो जाएगा क्रिएट। आगे देखो आर ओ टी रोट ए टी ई मात्रा लगी है, क्या हो जाएगा रोटेट। आगे देखो पी आर आई प्राई वी ए, यानी प्राई हो गया ए टी ई एट मात्रा लगी प्राइवेट। एफ ओ आर फोर एम फॉर्म ए टी ई एट फॉर्मेट, ठीक है इस तरीके से पढ़ना है। आगे देखो टी आई ओ एन, ये हो गया जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है सबको, एक एक को बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखो टी आई ओ एन क्या होगा सन, रट लेना भाई कि बोलते हैं इसको सन, किताब पढ़ने बैठो तो ये नियम होगा याद, तो आराम से पढ़ लोगे भाई इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ए टी को क्या पढ़ते एट डेट स्टेट प्लेट स्केट क्रिएट रोटेट प्राइवेट फॉर्मेट। वैसे देखो टी आई वन क्या पढ़ते सन, क्या होता है आधा के पूरा नहीं, ठीक है। टी आई ओन को क्या पढ़ेंगे सन, क्या हो गया एक्शन, समझ में आ रहा है दोस्तों एक्शन। आगे देखो ओपी क्या हो गया ओप, टी आई ओन को क्या पढ़ेंगे ये तो हो गया ओप, टी आई ओन को क्या पढ़ेंगे सन ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन नहीं ऑप्शन। एल ओ लो, टी आई ओ एन को क्या पढ़ेंगे सन लो सन, ठीक है। ए सी टी आई ओ एन को क्या पढ़ेंगे सन, तो एक सन आधा के, देखो सी को ये पूरा नहीं ए नहीं तो क्या पढ़ेंगे आधा के, तो एक सन टी आई ओ एन को सन पढ़ेंगे, तो एक सन ओ पी टी आई ओ एन ऑप्शन। एल ओ टी आई ओ एन को क्या पढ़ेंगे सन लो सन, वैसे ही पढ़ेंगे तो एन ए को क्या पढ़ेंगे ने, टी आई ओ एन को सन नेशन नेशन। एम ओ मो टी आई ओ एन सन मोशन। आगे देखो ओवेशन टी आई ओ एन को सन पढ़ेगा ओवेशन, टी यू आई ट्यू टी आई ओ एन ट्यूशन। इमोशन टी आई ओ एन को क्या पढ़े ई एम इमोशन, ठीक है देखो ऐसे इमोशन इमोशन। स्टेशन रेलवे जो स्टेशन होता है बस स्टेशन, ठीक है स्टेशन स्टेशन, ठीक है एस टी ए टी आई एन स्टेशन। आगे देखो डबल ई एन इसको क्या पढ़ेंगे इन इन, ठीक है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ई ने, ठीक है ये बड़ी की मात्रा है ऐसे अपन लगानी पर, तो क्या होगा इन। जैसे से क्या बनेगा से का क्या बनता है एस सपेरे वाला का, से सपेरे वाला का एस बनता है, लिख दिया टेबल आपने जिसने वो वीडियो नहीं देखा उस वीडियो के आधार पे। से बड़ी की मात्रा सीन, ठीक है क्या मैं टे बड़ी मात्रा टी बीन
ठीक है, वैसे ग्रीन जी आर क्या हो जाएगा, ग्रे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे क्या हो जाएगा, ग्रीन डबल ई, ये मात्रा लगी है बड़ी की, ग्रीन क्वीन, क्वीन स्क्रीन, सिक्सटीन बट बिटवीन, बिटवीन डबल ई एन बिटवीन, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना बड़ा नाम लिखा ओ यू जी एच, इसको कैसे पढ़ेंगे, ओ यू जी एच, इसको कुछ नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना एफ है, फैसे फल, ठीक है। टी ओ यू जी एस, टे का बनेगा, टी का बनेगा टे, टे लिख दिया, ओ यू जी एच क्या बनेगा, फे, मैंने क्या बताया, ओ यू जी एस का क्या बनेगा, फे, लिखो फे से फल, क्या हो गया, टप। वैसे सी का क्या बनेगा, क, ओ यू जी एच का क्या बनेगा, फे, ऊपर देखो ओ यू जी एच का फे, तो क्या हो जाएगा, कप। आर ओ यानी रेखा, जो आर का जो क्या बनेगा, रे, ओ यू जी एच का क्या बनेगा, फे, रफ, इनफ, लाप, तो ऐसे पढ़ना है। देखो अपने क्या देखा, ए टी ई एट पढ़ते हैं, टी आई ओ एन सन का उदाहरण देखे, डबल ई एन इन, ओ यू जी एस को क्या पढ़ते हैं, फे, इसके उदाहरण देखे अपन ने, जैसे ए टी जो नहीं पढ़ पाते वो कैसे पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ेंगे डाटा, डाटे, स्टाटे, प्लेटे, स्केटे, क्रिएटे, उसको ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अपन को इस नियम के आधार पर आप किताब पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ पाओगे। इससे आगे मैं और वीडियो लेकर आऊँगा इसका पार्ट टू, तो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।